इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बर्न के बारे में। बर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिहाज से, ये हर अल्टरनेटिव ईयर से शायद आ ही जाते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। इंजरी द रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स आर टर्म्ड एज बर्न। कोई भी इंजरी जो किसी केमिकल से, किसी गर्म ऑब्जेक्ट से, किसी इलेक्ट्रिसिटी से, किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में या फिर उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से कोई भी इंजरी हमारे बॉडी में होता है, तो हम उसको बर्न का टर्म देते हैं, उसको हम बर्न का नाम देते हैं। मतलब कोई भी ऐसी इंजरी जो किसी थर्मल ऑब्जेक्ट यानी कोई गर्म ऑब्जेक्ट, कोई केमिकल ऑब्जेक्ट मतलब कोई केमिकल से, किसी इलेक्ट्रिक से, किसी रेडिएशन से टच होकर हमारे बॉडी को इंजर्ड करती है, हमारे सेल की इंटीग्रिटी को ब्रेक डाउन करती है, तो ऐसे चीज़ को हम इंजरी बोलते हैं। थर्मल बर्न, थर्मल बर्न क्या होता है? कॉज बाय एक्सपोजर टू और कॉन्टैक्ट विद फ्लेम, हॉट लिक्विड, सेमी लिक्विड, स्टीम और हॉट ऑब्जेक्ट। थर्मल बर्न होता है जिसमें किसी भी प्रकार के एक मतलब गर्म ऑब्जेक्ट के एक्सपोजर से, मतलब किसी गर्म ऑब्जेक्ट के टच में आ जाने से, जैसे कि कोई गर्म पानी है, कोई ऐसा मतलब सेमी लिक्विड चीज़ है जो गर्म है, स्टीम से, भाप से, हॉट ऑब्जेक्ट से, कोई गर्म बहुत जलती हुई चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों से जो बर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल बर्न। या तो हम डायरेक्ट फायर से भी जले तो भी हम थर्मल बर्न बोलते हैं उसको। उसके अलावा केमिकल बर्न, मतलब किसी भी केमिकल की वजह से अगर किसी कोई इंजरी होती है उसमें, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई बर्न होता है, स्ट्रॉन्ग बेस से कोई बर्न होता है, डिटर्जेंट से कोई बर्न होता है, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए इसको हम बर्न का टर्म देते हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न होता है, मतलब हम लाइट से, हमको अगर लाइट हमको शॉक लग गया, करंट लग गया, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम इलेक्ट्रिकल बर्न बोलते हैं। रेडिएशन बर्न, कभी कभी क्या होता है कि रेडिएशन की वजह से हमको बर्न की कंडीशन देखने, अगर किसी का सीवीआरटी चेक करना हो कि बर्न कितना है, किस लेवल का बर्न है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब किस चीज़ से वो जला है, कितनी देर तक जला है और कितनी दूरी से इंसान जला है, तो फिर ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं सीवीआरटी या बर्न। फिर क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। अगर हम बर्न को क्लासिफाई करना चाहेंगे तो फिर हम उसको डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। बर्न इंजरी आर डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द इंजरी एंड एक्सटेंट ऑफ बॉडी सर्फेस इंजर्ड। बर्न इंजरी को हम कितना डेप्थ तक इंजरी हुआ है और कितना बॉडी सर्फेस को कवर किया है, मतलब कितना एरिया में बर्न हुआ है और कितना गहराई तक जला है, तो फिर इससे हम क्लासिफाई करते हैं। तो बर्न के डेप्थ के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो पहला होता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, ये सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होता है। दूसरा होता है डीप पार्शियल थिकनेस और तीसरा होता है फुल थिकनेस बर्न। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस फर्स्ट डिग्री बर्न को हम बोलते हैं। इसका जो डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब 48 आवर्स तक इसमें पेन वगैरह रहता है जो भी होता है, और 3 से 7 दिन के बाद इसकी जो स्किन होती है पीला हो जाती है और फिर वह सही जाता है। इसके कॉजेज क्या होते हैं? सनबर्न, कभी कभी ज़्यादा टाइम तक धूप में रहने की वजह से सनबर्न का कंडीशन आता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक धूप में रहने की वजह से स्किन की इंटीग्रिटी को लॉस होता है, वहाँ पे स्किन का ब्रेकडाउन होता है, तो फिर ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सनबर्न। कभी कभी क्या होता है? लो इंटेंसिटी फ्लैश, कभी कभी बहुत गर्म आँच की वजह से भी हम जल जाते हैं, तो उसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न में कहते हैं, या फिर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, मतलब ऊपर की थोड़ी सी स्किन जली होती है इसमें। इसकी अपीयरेंस क्या होता है जब फर्स्ट डिग्री का बर्न होता है? तो रेडेंट, मतलब वहाँ की स्किन लाल हो जाती है। ब्लैंचेस विद प्रेशर, मतलब कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कलर जो होता है येलो टाइप हो जाता है, मतलब पेल कलर हो जाता है, तो वहाँ पे हम ब्लैंचेस विद प्रेशर कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? टिंगलिंग, मतलब एक तरह से झंझनाहट हो जाती है वहाँ पे, हाइपर पैरेस्थीसिया, वहाँ पे सेंसेशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और पेन जो वहाँ पे होता है उसको हम अगर ठंडा करते हैं किसी ठंडे पानी में से, उसको मतलब पानी में रखते हैं, तो फिर वो वहाँ पे पेन को हमारे रिलैक्स मिलता है, तो इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस फर्स्ट डिग्री बर्न। अब सेकंड आता है पार्शियल थिकनेस। अभी तक हम पढ़े सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, अब हम पढ़ेंगे पार्शियल थिकनेस, मतलब डीप बर्न, यानी इसको हम सेकंड डिग्री बर्न भी बोलते हैं। इसके कॉजेस क्या होते हैं? स्कैल्स होते हैं, फ्लैश होते हैं, फ्लेम होते हैं, मतलब फ्लैश हो गया या फिर फ्लेम हो गया, मतलब आँच में सीधे आग में पड़ गया, फिर आँच से हो गया, मतलब जो कुछ भी होता है, तो इसका सेकंड डिग्री बर्न कहते हैं। इसमें कौन सी स्किन इन्वॉल्व होती है? एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है और अपर डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है, पोर्शन ऑफ डीपर डर्मिस, और जो डीपर डर्मिस मतलब जो डर्मिस का लेयर होता है उसमें भी कुछ पोर्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब एपिडर्मिस, अपर डर्मिस और डीपर डर्मिस जो होता है उसके भी कुछ पार्ट्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन, इसमें भी पेन होगा, और क्या होगा? हाइपरस्थेसिया होगा, और सेंसिटिव टू कोल्ड, अगर हम कोल्ड में रखेंगे तो और ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होगा। अपीयरेंस क्या होगा? वहाँ पे ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, मतलब छाले पड़ जाएंगे वहाँ पे, फिर मॉटल रेड बेस हो जाएगा, उसका जो कलर होगा वो मॉटल रेड हो जाएगा, ब्रोकन एपिडर्मिस, वहाँ की जो एपिडर्मिस क्लियर हो जाएगी वो ब्रेक हो जाएगी, वहाँ पे सीधे सीधे हम बाई अपने आईज से देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे मतलब जो स्किन है वहाँ पे टूट चुकी है और अंदर तक दिखता है वहाँ पे, एडिमा हो जाता है वहाँ पे। फिर आता है विट शाइनिंग, वहाँ पे मतलब एक तरह से साइनी अपीयरेंस हो जाता है, और वीपिंग सरफेस, मतलब वहाँ से वाटर रिलीज होता रहता है। ठीक, इसका कोर्स क्या होता है? 2 से 4 वीक तक इसका टाइम लगता है इसको ठीक होने में, रिकवरी टाइम इसका 2 से 4 वीक होता है। सम स्कैरिंग एंड डीप पिगमेंटेशन हो जाता है, कभी कभी क्या होता है वहाँ पे स्कार्स बनते हैं, स्कार्स मतलब एक तरह से जैसे जब कोई चोट होता है जब ठीक होने लगता है तो वहाँ पे काला काला एक तरह से एक हार्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्कैरिंग कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं? इसको डीप पिगमेंटेशन हो जाता है, कॉन्ट्रेक्चर होता है, मे कन्वर्टेड टू फुल थिकनेस, ये फुल थिकनेस में आ तो जाता है लेकिन मतलब पूरी तरह से रिकवर नहीं होता है। फिर आता है
फुल थिकनेस यानी 3rd degree बर्न। इसका कॉज क्या होता है, फ्लेम से हो सकता है, मतलब कोई भी आग में हम सीधे मतलब कोई फ्लेम में हम हाथ डाल दें, या फिर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हॉट लिक्विड, किसी भी हॉट लिक्विड से ज़्यादा टाइम तक अगर हम एक्सपोजर में रहते हैं, उसको टच में रहते हैं, तो फिर ये बर्न हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी 3rd degree बर्न होता है, और केमिकल्स की वजह से भी, जैसे कोई एसिड हो गया, कोई डिटर्जेंट हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इन सब चीज़ की वजह से जो बर्न होता है उसको फुल थिकनेस बर्न कहते हैं, 3rd degree बर्न कहते हैं। इसमें कौन कौन सा स्किन इन्वॉल्व होता है, एपिडर्मिस होता है, इंटायर पूरा डर्मिस होता है, मतलब अपर डर्मिस भी और डीपर डर्मिस भी, और उसके अलावा सबक्यूटेनियस टिशू भी इसमें इन्वॉल्व होता है, में इन्वॉल्व कनेक्टिव टिशू भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और मसल्स और बोन भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें पेन नहीं होता है, इसमें शॉक की कंडीशन रहती है, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसके से बॉडी शॉक में जा सकती है। हीमेटूरिया की कंडीशन होती है, मतलब यूरिन में ब्लड आने लगता है, और हीमोलिसिस उसका ब्लड का ब्रेकडाउन हो जाता है। अपीयरेंस अब वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ड्राई पेल व्हाइट और चैट ब्रोकन स्किन विथ फैट एक्सपोज, इसमें स्किन का फैट दिखने लगता है, इसलिए वहाँ पे व्हाइट कलर में दिखता है। ठीक है, और एडिमा टिशू डिस्ट्रप्टेड, वहाँ पे टिशू में एडिमा वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद क्या आता है, फुल थिकनेस, इसका जो कोर्स होता है ये फुल थिकनेस अगर मतलब बर्न हो रहा है, 3rd degree का बर्न हो रहा है, तो वहाँ पे जो डेड स्किन होती है सेपरेटिव एंड लिक्विफाइज आफ्टर 2 to 3 weeks, 2 to 3 weeks के बाद वहाँ पे लिक्विफाई होना स्टार्ट होता है। स्पॉन्टेनियस हीलिंग इम्पॉसिबल, पूरी तरह से उसका इम्पॉसिबल होता है कि पूरी तरह से अच्छे से हील हो, पहले की तरह नहीं होगा। रिक्वायर रिमूवल ऑफ स्कार एंड सबसिक्वेंट स्पिल्ट और फुल थिकनेस, क्या होता है वहाँ पे वहाँ की जो स्किन होती है उसको निकालने की जरूरत पड़ जाती है, और वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। स्किन ग्राफ्टिंग मतलब किसी और बॉडी पार्ट से स्किन को कट करके वहाँ पे स्किन को लगाया जाए। बर्न डिटर्मिनेशन मेथड, बर्न को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना बॉडी हमारा बर्न हुआ है, तो अगर हम किसी को बताना हो कि कितना बर्न हुआ है, तो उसके लिए हम रूल ऑफ 9 का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम बॉडी को एनाटॉमिकल सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, और उसको हम हर चीज़ का फिक्स कर देते हैं, किसको कितना स्कोर करना है, और इसके अकॉर्डिंग हम बॉडी को बताते हैं कि कितना बर्न हुआ है। जैसे कि हेड और फेस को हम 9 points देते हैं, मतलब 9% बोलते हैं। अगर किसी का हेड मतलब सर और उसका चेहरा जल जाता है, तो उसको हम 9% बोलेंगे। ठीक है, कभी किसी का अपर एक्सट्रीमिटी मतलब ऊपर के हाथ जल गए, तो दो हाथ होते हैं, तो एक हाथ को 9% देंगे, तो मतलब दोनों हाथ को कितना देंगे, 18%। फिर उसके बाद किसी की लोअर एक्सट्रीमिटीज जल गई, तो हम एक पैर को 18 number देंगे, मतलब 18% देंगे, तो मतलब दोनों पैर के लिए 36% हो जाएगा। बैक एंड चेस्ट को हम पूरे अपने पेट को और पीठ को 18% देते हैं, इसलिए 36 भी हो जाएगा। जेनिटल पार्ट्स को 1% देते हैं, और टोटल ये लेके 100% हो जाएगा। 9%, 18%, 36%, 36% और 1%, टोटल ओवरऑल 100% हो जाएगा। तो इस तरह से हम बताएंगे कि मतलब किसको कितना बर्न हुआ है, तो ये बर्न डिटरमाइन करने का तरीका होता है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, इमीडिएटली फॉलोइंग ए बर्न इंजरी वैसो एक्टिव सब्सटेंस कैटाकोलामाइन हिस्टामिन आर रिलीज। जैसे ही कोई बर्न होता है, तो तुरंत जो वैसो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे वेसल्स में कुछ एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे कैटाकोलामाइन होगा, हिस्टामिन होगा, सेरोटोनिन होगा, ये तुरंत रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरी की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब कैपिलरी की परमिबिलिटी मतलब यहाँ से जो ये ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, अब यहाँ से परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ से जो फ्लूड होगा बाहर आने लगेगा, वेसल से बाहर आ जाएगा। दैट अलाउ प्लाज्मा टू सिप इन टू सराउंडिंग टिश्यू, जो कि मतलब कैपिलरी से निकल के बाहर के उसमें आ जाएगा प्लाज्मा वगैरह। ठीक, तो इसके वजह से क्या होता है, सोडियम एंट्री एंड पोटेशियम एग्जिट फ्रॉम द सेल, तो जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स होंगे उसमें से इसमें सोडियम की एंट्री हो जाती है, और जो पोटेशियम होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर एंड इंटरस्टिशियल फ्लूड। जब सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, तो हमको सबको पता है कि अगर बॉडी में सोडियम इंक्रीज होता है, तो हमारे बॉडी में वाटर का रिटेंशन बढ़ता है, मतलब पानी की क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे कि ब्लड प्रेशर किसी का अगर बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि नमक कम खाओ, क्योंकि अगर बॉडी में नमक रहेगा तो बॉडी में फ्लूड भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा, तो ब्लड का जो क्वांटिटी होगा वो बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। इसलिए ब्लड प्रेशर के टाइम पर हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो कम नमक खाए। तो यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई होता है, सोडियम एंट्री होने की वजह से पोटेशियम बाहर चला जा रहा है, और जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर इंटरस्टीशियल फ्लूड जो है वो बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ इंट्रावैस्कुलर फ्लूड वॉल्यूम। अब जो इंट्रावैस्कुलर फ्लूड वॉल्यूम था, मतलब जो वेसल्स में फ्लूड के वॉल्यूम थे, वो वहाँ से निकल के सेल्स में आने लगे हैं, सेल में आने लगे हैं। अब चूंकि यहाँ से जो ये ब्लड वेसल्स था, अब यहाँ से ब्लड वेसल से जो फ्लूड है बाहर आ गए, अब बाहर आके अब सेल में आके रुकने लगे हैं। जब सेल में आके रुकेंगे, तो फिर इसको इसके वजह से क्या होगा, ये सेल में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड डेथ हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड की क्वांटिटी हो जाएगी हमारे बॉडी में कम, जिसकी वजह से शॉक का कंडीशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन होगा। हाइपोवॉल्यूमिक मतलब ब्लड की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है,
एडिमा इन बॉन्ड एंड नॉन बॉन्ड टिश्यू, और यहाँ पर तो हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन आ गया और जो टिश्यूज हैं जो सेल्स हैं यहाँ पे वाटर का रिटेंशन होने की वजह से यहाँ पे एडिमा का कंडीशन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी एक तरह से देखा जाए तो। अब ड्यू टू कैटेकोलामाइन रिलीज इंक्रीज हार्ट रेट, अब चूंकि कैटेकोलामाइन रिलीज हुआ है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा क्योंकि एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा हाइपोवॉल्यूमिया का कंडीशन हो जाएगा। अब हाइपोवॉल्यूमिया इसलिए भी होगा क्योंकि हार्ट रेट बढ़ गया है, अब जल्दी जल्दी ब्लड पंप हो रहा है और ब्लड वेसल्स में ब्लड कम हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है और कार्डियक आउटपुट बहुत डिक्रीज हो जाता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है बहुत कम हो जाएगा। अब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले हम ये भी देखते हैं कि रीनल और डीआईटी सिस्टम पर क्या इसका असर पड़ता है। तो अब चूंकि यहाँ पे इसके बॉडी में बर्न हो रहा है तो जिसकी वजह से बर्न की वजह से वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम जो होता है काफ़ी कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ से जो ब्लड होता है कम हो जाएगा तो किडनी तक कम ब्लड पहुँचेगा, कम ब्लड पहुँचेगा तो ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। अब ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट क्यों कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड ही कम पहुँच रहा है तो फिल्टर किसको करेगा, जब ऐसा कंडीशन होगा फिल्टर नहीं कर पाएगा तो ऑलिगुरिया का कंडीशन होगा, ऑलिगुरिया मतलब यूरिन कम बहुत कम पास होगा बॉडी से, अब चूंकि ब्लड में वाटर ही नहीं है बॉडी में तो फिर ऑलिगुरिया का कंडीशन हो जाएगा जिसकी वजह से मिसेंट्रिक बेड में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल इलियस और जीआई डिसफंक्शन होगा, ठीक है, इस वजह से हमारे जीआई को भी प्रॉब्लम होगा। इम्यून सिस्टम में क्या होता है बर्न की वजह से क्या होता है लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आईजीजी होते हैं हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन से होते हैं ये इनका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। अब इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटीज, हमारी बॉडी की जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होंगे माइक्रोफिल्स होंगे सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जब ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो हमारा इम्यून सप्रेस हो जाएगा, जब इम्यून सप्रेस हो जाएगा तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड सेप्सिस हो जाएगा। एक तो हमारी ऐसी स्किन ब्रेक डाउन हो चुकी है, हमको बर्न की वजह से काफ़ी जगह पर हमारी स्किन ब्रेक हो चुकी है तो इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है और ऐसे टाइम पर इम्यून सप्रेशन होता है, इसलिए बर्न के पेशेंट को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिस्पायरेटरी, अब यदि किसी इंसान को बर्न होता है, कोई बर्न के थ्रू गुजरता है और किसी इंसान को बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे टाइम पर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में इनहेल करता है, मतलब कोई इंसान अगर किसी जलती हुए कमरे में बंद है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनहेल कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाएंगे बॉडी से, ठीक है, अब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो CO रिवर्सिबल बाइंड टू HB एंड फॉर्म COHB। अब जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे HB के साथ बाइंड कर लेगा, हमारे HB के साथ बाइंड कर लेगा तो क्या बना देगा कार्बन हीमोग्लोबिन। अब जो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर रहा था उसकी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर ले रहा है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी खतरे वाले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जब चूंकि जहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड आके बाइंड हो गया है तो अब ऑक्सीजन को जगह भी नहीं मिल रहा है और ऐसे भी ऑक्सीजन बॉडी में आ भी कम रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, कभी भी जब ऑक्सीजन की मतलब रिच कम हो जाती है हमारे बॉडी में तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं और जिस वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया होने से इंसान का डेथ हो सकता है। मैनेजमेंट, अब हम कैसे कैसे मैनेजमेंट करेंगे, किसी इंसान को अगर जल जाता है, कोई इंसान जल जाता है, कोई बर्न हो जाता है, कोई थर्मल बर्न होता है, इलेक्ट्रिक बर्न होता है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको तीन पार्ट में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है इमरजेंट फेस यानी रिससिटेशन फेस, मतलब किसी भी उसको मेन साइट पर जहाँ पर उसका बर्न हुआ वहाँ पर उसको कैसे बचाएंगे, फिर हॉस्पिटल में एक्यूट फेस होता है, एक्यूट फेस मतलब तुरंत उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देंगे, और तीसरा होता है रिहैबिलिटेशन फेस, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे उसको पहले की तरह लाएंगे। तो इमरजेंट फेज में हम क्या करते हैं, फर्स्टली रिमूव द विक्टिम फ्रॉम बर्न सोर्स, सबसे पहले हम विक्टिम को बर्न के सोर्स से उसको दूर करते हैं, मतलब जिस भी चीज़ से, जैसे अगर वो आग से जला है तो उसको आग बुझाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक से अगर उसको बर्न हुआ है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को वहाँ से बंद करेंगे। उसके बाद हम ABC का असेसमेंट करते हैं, ABC मतलब एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का असेसमेंट करते हैं। इफ़ देर इज नीड ऑफ CPR, अगर CPR की जरूरत है, उसका हार्ट नहीं काम कर रहा है, उसका जो हार्ट बीट है रुक गई है, तो हम उसको CPR देंगे, और ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे CPR देके इफ़ देर इज नीड ऑफ CPR, अगर वहाँ पे CPR की जरूरत है, उसका हार्ट बीट नहीं सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो हम उसको CPR देंगे। पेन मैनेजमेंट शुड बी डन, उसके बाद पेन मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि उस इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, टिटनेस टैक्सवाइड का इंजेक्शन देंगे ताकि उसको टिटनेस ना हो, इनिशियल वुंड केयर करेंगे और टीचिंग देंगे, हेल्थ टीच करेंगे। तो ये इमरजेंट फेस होता है, मतलब साइट पर ही। फिर आता है एक्यूट फेज, हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, अभी तो इमरजेंट फेज था, मतलब हम एट द साइट, मतलब जहाँ पे इंसान जल रहा था वहाँ पर देखे थे, अब हम एक्यूट फेज देखते हैं हॉस्पिटल में क्या करेंगे, रीअसेस एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, हॉस्पिटल में आकर हम फिर से उसके एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को देखते हैं यानी ABC, ठीक, एलिवेट हेड ऑफ बेड दैट हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ लंग, जो बेड का हेड होता है उसको हम थोड़ा सा उठा के रखेंगे, मतलब सेमी फॉलर पोजिशन देंगे ताकि उसका जो उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सेमी फॉलर पोजिशन में सांस लेने में आराम रहता है इंसान को। फिर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब, उसके बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया है तो उसको हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, उसको फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे,
और फ्लू रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे देंगे, पॉकलैंड फार्मूला से देंगे। पॉकलैंड फार्मूला क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, इन फर्स्ट 25 आवर 4 ml RL इंटू वेट इन kg इंटू टोटल बॉडी बर्न सर्फेस एरिया। इसमें क्या करते हैं, इंसान का कितना बर्न सर्फेस एरिया, मतलब रूल ऑफ नाइन से हम पहले डिफाइन कर लेंगे कि उसका कितना परसेंट उसका बर्न हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट इंसान का बर्न हुआ उसके अकॉर्डिंग वेट इन केजी उसका चेक कर उसको वैल्यू उसका वेट देख लेंगे कितने केजी का है अप्रॉक्सीमेटली। उसका वेट देखने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 ml, मतलब 4 ml RL से मल्टीप्लाई करेंगे वेट इन केजी और कितना बॉडी सरफेस उसका बर्न हुआ है। अब जितना हमको आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को क्या करते हैं हम पहले 8 घंटे में आधा दे देते हैं। जितना हमको मतलब यहां से निकल के आया है तो उसको हम क्या करते हैं पहले 8 घंटे में आधा देते हैं, बाकी 16 घंटे में उसके आधा को देते हैं। डे 2 ये पहले दिन का होता है। डे 2 में क्या करते हैं हम इसको 0.5 ml कोलाइड इंटू वेट ऑफ पेशेंट इन kg। पहले क्या करते हैं 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं वेट ऑफ पेशेंट से और फिर टोटल बॉडी सरफेस एरिया के बर्न से प्लस 2000 ml डेक्सट्रोज को ऐड कर लेते हैं। इसको करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम पेशेंट को मतलब हम उसको मतलब पेशेंट को हम IV थेरेपी देंगे। फिर क्या कहता है प्लेसमेंट ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर, हम उसको कैथेटर उसको लगाते हैं, उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहते हैं, उसके पेन को मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि उसको एनाल्जेसिक को करा देखें क्योंकि उसको पेन होता रहेगा, उसका डेटा कलेक्शन करेंगे, हर वाइटल साइंस को नोट करते रहेंगे, उसका कितना इनपुट है कितना आउटपुट है हर चीज़ को देखते रहेंगे, वुंड केयर करेंगे उसके वुंड का केयर करेंगे ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो और जल्दी से जल्दी हील हो सके, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है बर्न के पेशेंट को। कंट्रोल द इन्फेक्शन बाय यूज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, हम सारे एसेप्टिक टेक्निक का यूज करके हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे। प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी, हम उसको फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, स्प्लिंटिंग ज्वाइंट पोजिशन, प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी उसको फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, स्प्लिंटिंग देंगे मतलब उसको बॉडी को मतलब पेन ना हो इसलिए हम ऐसे उसको चीज़ें मतलब एक तरह से स्प्लिंटिंग एक तरह से ऐसा डिवाइस है जिससे हम उसको बॉडी में पेन ना हो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। पोजीशनिंग उसका सही से पोजीशन करेंगे ताकि पेशेंट को पेन ना हो, मतलब जिस पार्ट में जला होगा उसको ऊपर रखेंगे उसको नीचे नहीं रखेंगे, उससे एक्सरसाइज करवाते रहेंगे, उसको एम्बुलेशन सारी उसको मतलब उसको सारा सपोर्ट देंगे सारा हेल्प करेंगे, प्रेशर थेरेपी उसको प्रोवाइड कराएंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे ताकि उसका हील जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक, टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल्स का यूज़ करेंगे हम उसके मतलब जहाँ पे भी बर्न वगैरह रहेगा वहाँ पे हम माइक्रोबियल एजेंट का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसके लिए सिल्वर सल्फाडाइजीन और सिल्वर नाइट्रेट का मोस्टली हम यूज़ करते हैं। अब क्या करते हैं रिहैबिलिटेशन फेज आता है। रिहैबिलिटेशन फेज में क्या करते हैं, इस फेज में नर्स क्या करती है पेशेंट को इनकरेज करती है ताकि वो अपना फिर से लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सके, उसको फिजिकली और मेंटली उसको रेडी करती है, आल्सो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड कराती है, उसको फिजिकल एक्सरसाइज करवाती है, उसको ट्रेनिंग करती है ताकि वो अपने आप को हील कर सके और पहले की तरह हो सके, उसको पूरा प्रॉपर एजुकेट करती है, और फिर इम्यूनाइज डिफॉर्मिटी उसके जो भी डिफॉर्मिटीज होती है उनको सही करने का पूरा ट्राई करती है टू अचीव मैक्सिमल फंक्शनल रिकवरी, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा उसका पूरा से पूरा जो मतलब पहले की तरह वो हो सके उसके लिए अपना वो बेस्ट देती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न, अब बर्न के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, पहला तो होता है इन्फेक्शन देखने को मिलता है, हाइपोवोल्यूमिया होने देखने को मिलता है, हाइपोवोल्यूमिया बॉडी में ब्लड का जो फ्लूड लॉस की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। ठीक है, हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बहुत लो हो जाता है, स्कैरिंग देखने को मिलता है, बोन एंड ज्वाइंट में प्रॉब्लम देखने को मिलता है डीप बर्न की वजह से, वहाँ पे जो मूवमेंट्स होते हैं काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, एक्यूट टॉक्सीमिया देखने को मिलता है, इस कंडीशन में क्या होता है पेशेंट फील ड्राउजीनेस, पेशेंट को ड्राउजीनेस फील होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है बॉडी का, वोमिटिंग होता है और डायरिया का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इसको कहते हैं एक्यूट टॉक्सीमिया। फिर इसके अलावा एक्सटेंसिव लोकल एडिमा देखने को मिलता है, उसके बॉडी में एडिमा होता है, इसका हम पहले भी पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं एडिमा क्यों होता है, और इसके लिए पोजीशन चेंज करना सबसे बेस्ट उपाय होता है। रीनल फेल्योर देखने को मिलता है क्योंकि ऑलिग्यूरिया का कंडीशन आ रहा था, जेफआर रेट घट जा रहा था, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी हो सकती है, कभी कभी क्या होता है इंसान जहाँ पे जल जाता है वहाँ से उसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है वहाँ पे, और उसकी बॉडी पहले की तरह हील नहीं कर पाती है तो वहाँ पे डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। फिर कभी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हैमरेज देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस का कॉम्प्लिक्स हो सकता है, मेटाबॉलिक चेंजेस हो सकते हैं, लॉस ऑफ मोरल ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट का मोरल होता है वो कभी कभी डाउन हो जाता है। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।